क्योंकि झुककर प्रणाम करना हम भारतवासियों का सदियों से परंपरा चलता आ रहा है और मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ और इसी भारतवासी होने के नाते मैं समझता हूँ कि मेरा यह फर्ज बनता है और आप लोगों का भी ये फर्ज होना चाहिए कि आज जो हमारे देश में चल रहा है ये लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम कर रहा है ओपोजिशन के ऊपर में सारे लीडर्स को जो दबाया जा रहा है, राहुल गांधी जी का आवाज दबाया जा रहा है, इसी के तहत संदर्भ में हमने जो जय भारत सत्याग्रह यहाँ पे रखा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो सत्याग्रह हमने बचपन में किताबों में पढ़ा और सुना और बचपन से जो गांधी जी का सत्याग्रह का कहानी हम सुनते आ रहे हैं आज हमें उसी सत्याग्रह का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मुझे यह मौका देने के लिए मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष रतनलाल हलदर जी और हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी और इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन मरियम मैडम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मरियम मैडम ने जो आज ऑर्गेनाइज किया उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करें। मैं आप लोगों को वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब हम अपना ही पैसा निकालने के लिए ATM के लाइन में खड़े रहते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने सबसे पहला अपना आवाज उठाया। जब यह देश डिमोनेटाइजेशन देख रहा था, जब नोटबंदी हो रहा था, तब उसके खिलाफ में सबसे ज्यादा तेजी से आवाज उठाने वाले नेता थे राहुल गांधी। और आज उसी तरह जब पूरे देश का पैसा लूटकर मोदी जी द्वारा अडानी को दे दिया जा रहा है, अपने मित्रों को दे दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ में हमारे नेता जब आवाज उठाते हैं तो उनका जो लोकसभा का सदस्यता है उसको खारिज कर दिया जाता है। किसी के लिए हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सिपाही हैं, हम एक साथ लड़ेंगे भी। और मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि अगर हम एक साथ ऐसे ही लड़े हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि न्याय और सत्य कभी हारता नहीं। बाकी ऐसा लोकल इश्यूज जितने भी आप देख सकते हो कि डिमांड का एक चार्ट रखा हुआ है, एक चार्ट बब्बू फ्लैट ब्रिज जो हमारे बब्बू फ्लैट के वासियों को 2015 में यहाँ पे नितिन गडकरी जी आके हमेशा हम सबके सामने में कह के गए थे कि 3 से 6 महीने के अंदर में काम शुरू कर देंगे और 8 महीने के अंदर में जो ब्रिज आपको दिखने लगेगा, मैं वही उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो ब्रिज कहाँ है। ना तो ब्रिज दिखा, ना कागजी कार्रवाई, खाली झूठा आश्वासन दिया जाता है। सिर्फ ब्रिज ही नहीं, अंडमान के लोगों को हमेशा जो शुरुआत से इग्नोर किया गया, हमारे सरकार जब